हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे एक छोटे से प्रोजेक्ट की, जिसमें हम लोग लॉगिन और रजिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। तो गाइस हम लोग इस वीडियो के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले हैं, और प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए मैंने कुछ चीजें पहले से कर रखी है। जस्ट मैं आपके सामने वो कॉन्फ़िगरेशंस करने वाला हूँ जिनमें हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाए। तो पिछले वीडियोस आपने देखे, और पिछले वीडियोस देखकर आप लोगों ने फायरबेस कन्फिगर करना सीख लिया था। तो फायरबेस मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर रखा है यहाँ पर, और फायरबेस को मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, ये रहा फायरबेस। इस बार हम लोग UUID पैकेज यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो है वो हमारा कुछ कंपोनेंट्स मैंने बना रखे हैं। तो लॉगिन के लिए कंपोनेंट हो गया ये वाला पूरा पूरा, और एज इट इज ये उसकी CSS हो गई, और ये रजिस्टर का कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लॉगिन और रजिस्टर के कंपोनेंट बना रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूंगा। तो चलिए इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे रजिस्टर को, और कहाँ से इम्पोर्ट करना है, तो .slash यानी बाहर जाओ और कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में register.js से इम्पोर्ट करना है रजिस्टर वाले कंपोनेंट को, और login.js से करना है लॉगिन वाले कंपोनेंट को। तो रजिस्टर और लॉगिन दोनों आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर app.js में चलेंगे, और मैं यहाँ पर रजिस्टर वाले कंपोनेंट को पहले यूज कर लेता हूँ, और एज इट इज मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ लॉगिन वाले कंपोनेंट के लिए लॉगिन। ओके, और अब मैंने npm स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अकाउंट और लॉगिन के दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बट दोनों कंपोनेंट हमको सेम टाइम पर नहीं दिखाने हैं। हम लोगों को कंपोनेंट्स क्या करने हैं, अलग अलग टाइम पर दिखाने हैं, जब यूजर रिक्वेस्ट करे तभी दिखाना है। वैसे इस चीज को करने के लिए हम लोग राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्लिक किया सपोज यूजर ने लॉगिन पे, तब वो जाए कहाँ पर, अपने लॉगिन वाले पेज पर, या फिर यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो क्रिएट अकाउंट वाले पे जाए। तो गाइस वैसे तो हम लोग राउट्स की मदद से लॉगिन के क्लिक पर लॉगिन का पेज खुलवा सकते हैं, और क्रिएट के क्लिक पर क्रिएट वाला जो पेज है यानी रजिस्टर का पेज खुलवा सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने राउट्स डिस्कस नहीं किए, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक स्टेट से मैनेज कर देंगे। ओके, तो आर कॉन्स्ट और स्टेट के थ्रू हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो मैं सिंपली यहाँ पर पेज लिख देता हूँ, और पेज में मैं 0 और 1 इस तरीके से रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कमेंट भी लगा देता हूँ कि 0 किसके लिए रिप्रेजेंट करूंगा और 1 किसके लिए। तो पेज इक्वल्स टू 0 तब होगा जब मुझे लॉगिन वाला पेज दिखाना है। ठीक है, तो पेज इक्वल्स टू 0 का मतलब लॉगिन वाला पेज, और पेज इक्वल्स टू 1 का मतलब कौन सा पेज हो गया, रजिस्टर वाला पेज। तो बाय डिफॉल्ट मैं यूजर को कौन सा पेज दिखाने वाला हूँ, रजिस्टर वाला पेज दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ हो गया पेज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन और ये रजिस्टर वाले के अंदर स्विच करवा देंगे। कैसे करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज, और पेज में अगर 1 आता है तो आपको क्या दिखाना है, रजिस्टर। तो चलिए रजिस्टर वाले कंपोनेंट को यहाँ यूज कर लीजिए, और एल्स में हमको क्या दिखाना है, लॉगिन दिखाना है। ओके, तो लॉगिन वाले को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब दोनों के दोनों आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, एक बार ये दिखेगा और दूसरी बार लॉगिन के क्लिक पर लॉगिन वाला पेज दिखेगा। तो आप सिंपली क्या करो, रजिस्टर वाले कंपोनेंट में जाएंगे, और रजिस्टर वाले कंपोनेंट में इस पर्टिकुलर लॉगिन वाले के क्लिक पर हम स्टेट को चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं हैज लगा देता हूँ, और ताकि ये कहीं पर भी रिडायरेक्ट ना हो सिंपली। और हम लोग साथ ही साथ इधर से चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन हमारे लिए पेज स्विच करेगा। ठीक है, तो ये होगा पेज स्विच हैंडलर। ओके, पेज स्विच हैंडलर हमारे लिए क्या करने वाला है, यहाँ पर स्टेट में डेटा चेंज करने वाला है। और जैसे ही आपको पता है स्टेट में डेटा चेंज होता है, कंपोनेंट हमेशा क्या करता है, रीरेंडर करता है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रजिस्टर वाले में भेजना होगा स्विच, और स्विच इज इक्वल टू, और स्विच में आप भेजोगे दिस, और दिस डॉट पेज स्विच हैंडलर। ओके, तो ये दिस डॉट पेज स्विच हैंडलर आप भेज रहे हो एज अ प्रॉप। एक्चुअली हमें इसको क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के नीचे डिफाइन करना होगा, इसलिए ये एरर दिखा रहा था एक आपको रेड कलर की। अब देखिए पेज स्विच हैंडलर जा रहा है, और पेज स्विच हैंडलर जैसे ही वहां पर यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग पेज को स्विच करेंगे, और पेज स्विच हैंडलर हम लोग लॉगिन वाले पेज पर भी रखेंगे और रजिस्टर वाले पेज पर भी रखेंगे। और सिंपली क्या करेंगे, जो स्टेट है, जो ओल्ड स्टेट है, उसको कर देंगे चेंज, दिस डॉट स्टेट, और स्टेट में हम लोग सेट स्टेट करना होगा एक्चुअली हमें, तो दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में जो ओल्ड पेज है उसको आप चेंज कर दोगे, और नॉट ऑफ दिस डॉट स्टेट डॉट पेज लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये टोगलिंग करवाते रहेंगे जो हम लोगों ने स्टो और हाइड पासवर्ड में देखी थी उस टाइप की। और जैसे ये टोगल होगा सिंपली हमारे पास लॉगिन वाला पेज दिख जाएगा, और मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ ऑन क्लिक। जैसे ही इधर क्लिक होगा तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, जो प्रॉप हमारे आए हैं उधर से, प्रॉप्स डॉट
स्विच नाम की जो हमने स्विच नाम का जो हमने प्रॉप भेजा उसको यूज कर लेंगे और ऊपर आपको यहाँ भी प्रॉप्स पास करने होंगे। ओके तो ये आ रहा है प्रॉप्स डॉट स्विच और देख लेते हैं ये अभी क्या एरर बता रहा है। द एचआरईएफ इज ओके, ये तो जो एरर है वो इसकी एचआरईएफ की है, वो अभी छोड़ दीजिए बिकॉज हम लोग जब राउटर समझेंगे तब हम समझेंगे कि एचआरईएफ की एरर क्यों आती है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इवेंट, एक इवेंट मिलेगा मुझे और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि जो एंकर टैग का जो डिफॉल्ट इवेंट है उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके गाइस, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अब क्या करने वाला है, जैसे ही जैसे यूजर यहाँ क्लिक करेगा तो जो डिफॉल्ट इवेंट है उसको प्रिवेंट कर देगा। और देखिए यहाँ पर आपके पास लॉगिन का पेज खुल गया, एज इट इज चलते हैं हम लोग और लॉगिन का पेज जो है हमारा उस पर भी लगा देते हैं स्विच हैंडलर। और यहाँ पर एंकर टैग पर जैसे ही क्लिक होगा तो लगा देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हम लोग करेंगे प्रॉप्स डॉट स्विच। तो एक स्विच नाम का प्रॉप आपको भेजना होगा जो यहाँ पर ये स्विच करवाएगा और साथ ही साथ ऊपर हमको फंक्शन में एज ए पैरामीटर प्रॉप्स भी भेजने होगा। और यहाँ पर जो है हमारा एप डॉट जेएस उसमें भी स्विच नाम का एक प्रॉप भेजना होगा। ओके तो सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप स्विच नाम का जो प्रॉप है वो दोनों कंपोनेंट में भिजवा रहे हो ताकि यूजर यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करे तो क्रिएट अकाउंट वाला पेज और ये इस तरीके से पेज जो है वो स्विच होते रहे। अगर आपका यूजर आया उसने बोला कि नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, तो वो लॉग इन वाले पेज पे आ जाएगा। और वो चाहता है कि नहीं मेरे पास अकाउंट नहीं है मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो क्रिएट वाले पेज पर इस तरीके से स्विच होता जाएगा। ओके गाइज, तो अब ये बेसिक सा हमने एक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फायरबेस की मदद से, तो नेक्स्ट हम लोग यूजर को बोलेंगे कि वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करे और क्रिएट पर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करे। जैसे यूजर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेगा हम लोग फायरबेस की मदद से ये अकाउंट एक क्रिएट करवा देंगे और यूजर को उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज दिखा देंगे कि उसका अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आई होप गाइस ये वर्क फ्लो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके का आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है, इसी तरीके के पेजेस बनाकर उनमें स्विचिंग करवा लेनी है ताकि आप मेरे साथ साथ पैरेलली काम कर सको। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।